हेलो गाइस, अनदर माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं फिलहाल मैं गांव आ गया था और इंदौर से आ गया था। अभी मैं घर पे ही हूँ और हमारे यहाँ भुट्टे भी हो गए। अभी खाने जैसे तो नहीं हुए, ककड़ी वगैरह हो गई। भुट्टे तो 10-15 दिन और लगे और मैं भी घर पे ही हूँ फिलहाल में। और एक करिश्मा और भारती स्कूल से आ गया, बिल्कुल अभी स्कूल छुट्टी हो गई। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हो इतने इतने बड़े भुट्टे हो गए हमारे यहाँ पे। ये अभी तो और टाइम लगेगा, थोड़ा 10-15 दिन में हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे बकरियाँ बांध रखी है इस तरफ, और एक केड़ा है, बाकी सब बड़े बड़े उधर है, एक ही बांध रखा है। बहुत ही बढ़िया हो गया। अभी आपको छत के ऊपर जाके आप पूरा हमारे इधर आस पड़ोस हमारे खेत के व्यू बता देता हूँ। अभी छत के ऊपर जा रहा हूँ, आपको छत के ऊपर से पूरा व्यू बताऊंगा। मैं अभी फिलहाल में छत के ऊपर जा रहा हूँ और आपको पूरा व्यू बताऊंगा ऊपर जाके हमारे खेत का। पता है आपको हमारे खेत के पूरे व्यू बताऊंगा, या गांव के मतलब हमारे घर के पास में सामने का व्यू। यहाँ पानी भी भर दिया है यार, इसको निकालना। ये ऊपर टंकी लगा रखी है। और करिश्मा ये तिरंगा लगा हुआ है, कैसे उड़ रहा देख सकता अभी। ये पे वो पहाड़ दिख रहा, उसके पास में हमारे खेत हैं। अभी ये पूरा मक्का है, और उस तरफ जो सफ़ेद वाइट वाइट दिख रहा वहाँ भी हमारा एक खेत है। और ये नया वाला है, इसका भी काम पूरा हो गया, दरवाज़ा भी हीट करना बाकी है। देखो आप भुट्टे ऊपर से आराम से देख सकते हो, इतने बड़े बड़े हो गए 10-15 दिन में। खाने जैसे हैं, ककड़ी तो हो गई। वैसे देखा ही होगा हमारे गांव का व्यू, हमारे घर के पास में जितने भी खेत हैं सब में भुट्टे ही भुट्टे लगा रखे। हमारे इधर जैसे झाबुआ में सबसे ज़्यादा मक्का ही करते हैं, क्योंकि सोयाबीन कम है। ये मालवा क्षेत्र उज्जैन देवास साजापुर वाला उधर करते हैं, बाकी हमारे इधर भुट्टे मक्का ही ज़्यादा करते हैं। मक्का के बाद कपास और फिर सोयाबीन के बाद हमें बहुत कम करते हैं ऐसा है। और अभी एक खेत हमारा उधर है पहाड़ के पास, उधर मैं अभी जा रहा हूँ तो आपको उधर का भी व्यू बताऊँगा। ये हमारा घर का पेड़ है, स्कूल इस साइड स्कूल है पास में। चलो ये दुकान कर दी। अब हम खेत यहाँ पे अभी खड़े हैं इधर खेत पे जाने के लिए। ये हमारे पास में रोड है, ये रोड रतलाम से झब्वा अलीराजपुर भी जाती है, यहाँ से बसें निकलती हैं। वो हमारे डोगियाँ खड़ा है, हम इधर जाने के लिए खड़े थे। ले ले ले, हम नहीं जा रहे इसलिए वो भी खड़ा है। तो गाइस हम फाइनली हमारे खेत तरफ जा रहे हैं अभी घर से, और ये रोड का व्यू है। अभी गाड़ियाँ निकल गई इसलिए बिल्कुल शांति है, और देख सकते हो यहाँ शानदार भी दिख रहा है साइड साइड का। अभी पूरी मक्का ही है, आज बारिश ऐसे नहीं हुई है। ये रोड और ये नदी, बिल्कुल ये नदी पास में ही है, और नदी के ट्रैक्टर जा रहा उस तरफ हमारा खेत है। मतलब नदी का डिस्टेंस ही है बीच में, और बहुत ही अभी पानी जा रहा है। वो हमारा डोगी पानी के बीच में जाए खड़ा है, ट्रैक्टर जा रहा है दवाई छिड़कने वाला। ये बेड़ी का पेड़ है, लगभग इससे 100 साल से ज़्यादा साल हो गए पर अभी भी है। और ट्रैक्टर उधर जा रहा है, खेत हमारे सामने वाला ही है। एक देखो कुत्ता कितना शांति से जा रहा है, अभी थोड़ी देर रुका था पानी। गाइस मैंने पेंट चढ़ा ली है, देख सकते ये वाली कितना अच्छा पानी है, पी भी सकते हैं अपन, एकदम शुद्ध पानी है। देखो मैं इधर खेत पे आ गया था, मेरे को इधर ही अच्छा लगता है, मैं घर पे ज़्यादातर रहता नहीं, खेत पे ही बहुत बढ़िया लगता है अच्छे से। अभी राखी का त्यौहार है इसलिए मैं घर आ गया था राखी के लिए। होते गर्मी के टाइम हम पानी भरते हैं, और इस तरह हमने सोयाबीन हमारे लगा रखे हैं। ये वाले मक्का और सोयाबीन दोनों है, और इस खेत में भी मक्का है कुएँ के पास में, देख सकते हैं ये वाली। और ये हमारे खेत वाली टपरी छोटी सी, ये अंदर टंकी खाट है इतनी बड़ी। और ये हमारा सोयाबीन और मक्का लग गई, ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ है पूरा। और इस तरफ ये हमारा बगीचा पूरा है इधर इधर वाला ये। और मैं आपको दिखा देता हूँ, सोयाबीन भी लग गए हैं और भुट्टे भी हो गए हैं।
और समझ सकते हैं एक किसान ही कितनी मेहनत करता है, न रात न दिन कुछ भी नहीं देखता, ठंड गर्मी बारिश कुछ भी नहीं देखता है, और तब जाके मतलब अन्नदाता सभी का पेट भरता है। और बिल्कुल मान सकते हैं पैसे वाला बहुत पैसे होने के बाद भी, क्योंकि उसको भी अन्न खाता है अनाज तो खाना ही पड़ता, पैसे नहीं खाता है, तो इसीलिए अन्नदाता जो दुखी रहता है, या अन्नदाताओं को खुश करने के लिए आप हमेशा उनका समर्थन करो किसानों का। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा बगीचा है, अंदर जाता हूँ, नींबू है और हाँ क्या बोलते हैं वो सीताफल, वो भी इतने इतने बड़े हो गए हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये अनार है, ये तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है, केला, ये वाला पौधे पौधे, ये नींबू है, उस साइड और भी पौधे बहुत सारे हैं। ये नींबू नीचे गिरे हुए पड़े ये लग रहे हैं, देख सकते हो नींबू, आपको बता ये दिखे होंगे आपको, ये बहुत सारे नींबू, ये इतर भी नींबू लगे हुए हैं, ये दिख रहे ना आपको सब, इस बगीचे में पूरे में नींबू है, नींबू नींबू, ये सीताफल ये लग रहा है, ये जामफल है, और ये आम है, इतना बड़ा है, चीकू का पेड़ भी है, नींबू भी, अरे घास बहुत हो रही है यहाँ पे, सांप भी, इसलिए मैं बगीचे से वापस निकल गया बाहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत घास है और इसमें यहाँ पे सांप भी रहता है बोलते, तो इसलिए मैं निकल के बाहर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं जानवरों का, अभी बाहर गर्मी भी हो रही है, अंदर आके पड़े भी रहे घास में, देख सकते दिखता नहीं घास में, इसलिए मैं बाहर वापस निकल रहा हूँ। गाइस मैं वापस निकलता हूँ, और निकलने के लिए इतनी बड़ी लकड़ी है, इसके ऊपर से उधर कूदना है मेरे को, बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार, ये तो रास्ता ही गजब वाला है, मैं ऊपर से ऊपर चढ़ गया, ऊपर से मेरे को कूदना है उधर नीचे, तब जाके रास्ता निकलने का, वैसे यहाँ पे है लेकिन वो बागर तोड़नी पड़ती है, गाय भी फिर कूदते, इसलिए मेरे को लकड़ी के ऊपर से कूदना पड़ा, और वो गाय मेरे से कितनी भड़क रही है ये, और पता है जो बाइक वाले खड़े हैं ना, अभी तो पानी कम हुआ, पिछली बार ज़्यादा था ना, तब वो एक बाइक वाला कूद गया था अंदर, पूरी डूब गई थी। सेना तैयार, मैं सेनापति हूँ, ये मेरे पीछे सेना आ रही है, और अब इनको घर घर तरफ ले जा रहे हैं, ये मेरी पूरी फौज है गाय बैल वाली ये, और मैं इनका सेनापति हूँ, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, अभी घर तरफ ले जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, सैनिकों आक्रमण ये गाय बैल वाली सेना तो आक्रमण भी नहीं कर रही है, सब देखो मैं आगे आगे जा रहा हूँ, पूरे गाय बैल सब मेरे पीछे आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ मेरी सेना है, और मैं इनका सेनापति हूँ, और घर तरफ अभी ले जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया। मेरे पास की स्कूल ये वाली, वाह यार ये क्या लिखा मैंने चार्ट, ये पूरी, ये हमारे घर के पास वाली स्कूल है ये हमारे घर पे छोटी छोटी बिल्ली के बच्चे भी है ये, ले 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 ले, ये दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे, ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा ले, और ये भैंस का बछड़ा, पाड़ा, मुर्गी, कुत्ता ले, ये बिल्ली का क्यूट सा बच्चा, ये बड़ा बिल्ला, बिल्कुल बाहर का भी बहुत ही बढ़िया है, मक्का पास में से अच्छी सी दिख रही है, खिड़की बंद कर रहता हूँ, धूल अंदर आती है, और मैं इस सोफे के ऊपर बैठ जाता हूँ, अरे यार गिर जाता हूँ, ये पूरे वाला फूल है ये रख रखा, ओरिजिनल जैसा दिखता कि नहीं आपको, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ फूल, प्लास्टिक का ही तो है, प्लास्टिक का ये, ये क्या ये वाला बहुत बड़ा है, प्लास्टिक का बना, और मैं घर पे आ गया हूँ फिलहाल गांव, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।